दोस्तों आपको स्क्रीन पे पोस्ट ऑफिस का केवाईसी अपडेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा। अगर किसी भी कारणवश आपसे केवाईसी मांग रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाले, तो आपको कुछ इस तरह से ये जो केवाईसी फॉर्म है इसको आपको कुछ इस तरह से आपको फिलअप करके आपको काउंटर पर जमा करना होगा। तब आपका जो भी आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना केवाईसी फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे रीसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चिपका देना है। आपके पास जो भी फोटो होगा लास्ट 6 मंथ का, उस फोटो को यहाँ पे आपको चिपका देना है। अगर ये ज्वाइंट खाता होगा तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट का सिग्नेचर होगा, सेकंड एप्लीकेंट का फोटो होगा। अगर आपका सिंगल खाता है तो सिंगल आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आपको फोटो चिपका देना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम इन कैपिटल लेटर, आपका जो भी नाम है पूरा नाम यहाँ पे कैपिटल में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट नंबर, रोड, सिटी, स्टेट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ को आपको फिलअप कर लेना है, जैसे कि आपका जो भी एड्रेस होगा। अगर आप रूरल क्षेत्र से होंगे तो आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे आपको स्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया लिख देना है। इतना चीज़ करने के बाद अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना है। केवाईसी के लिए आपको पता है कि दो प्रूफ लगता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड दे दिया है। आप कुछ और भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, डीएल दे सकते हैं, जो भी आपके पास प्रूफ होगा आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दे दिया है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पोस्ट ऑफिस में आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी है, ठीक है? तो आप पैन कार्ड ही देंगे, वो बेहतर रहेगा। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दे दिया, और आधार कार्ड का पूरा नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आपको भी लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फर्स्ट एप्लीकेंट होंगे तो सिग्नेचर कर देंगे, सेकंड एप्लीकेंट होंगे तो यहाँ पे कर देंगे, थर्ड एप्लीकेंट होंगे तो यहाँ पे कर देंगे। तो मेरा सिंगल अकाउंट है तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया है। बाकी यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज वनली, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, बस इतना ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी आपने प्रूफ दिया पैन कार्ड और आधार कार्ड, जो भी आप इसमें डिटेल दिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, उसका जेरोक्स करके इसके साथ आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब आपको जाके काउंटर पर जमा कर देना है। जमा करने के बाद जो केवाईसी कंप्लीट होने का प्रोसेस है, 2 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस वाले केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं। तो उसके बाद आपका जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा आप अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।